लोक आस्था के महापर्व डाला छठ सूर्य षष्ठी पर रविवार को 36 घंटे का निर्जला व्रत रख महिलाओं और उनके परिजनों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की आराधना की। चार दिवसीय लोक पर्व में तीसरे दिन लाखों व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजनों ने पूरे आस्था और विश्वास के साथ गंगा तट, कुंडों, तालाबों, अस्थाई तालाबों पर कमर तक पानी में जाकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दूध और जल का पहला अर्घ्य दिया। साफ सफाई और शुद्धता से बने विविध पकवानों और मौसमी फलों से सजे सूप के आगे से अर्घ्य देकर व्रतियों ने भगवान सूर्य और छठी मैया से परिवार में मंगल, वंश वृद्धि, संतति की कामना की। इस दौरान गंगा घाटों सहित सरोवरों, कुंडों, जलाशयों पर महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भारी भीड़ जुटी रही। अर्घ्य देने के पूर्व गंगा घाटों पर व्रती महिलाएं जहां वेदी का पूजन कर फल से भरे बांस के सूप को हाथ में लेकर कमर भर पानी में खड़ी होकर भगवान सूर्य की मौन उपासना कर रही थी, वहीं उनके साथ आए महिलाएं छठी मैया का परंपरागत गीत गा रही थी। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं छठी मैया का गीत गाते डाल व सूप लेकर घर लौटते समय कलश पर जलता हुआ दीपक हाथ में ले रखा था। सड़क पर भीड़ के धक्के से दीपक को बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य उस दीपक के चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे। महाव्रत का पारण सोमवार तड़के उदयाचलगामी सूर्य को अंतिम अर्घ्य देने के बाद होगा। इसके पूर्व दोपहर बाद से ही गंगा तट, कुंड सरोवरों पर 36 घंटे का कठिन उपवास रख व्रती महिलाएं समूह में परिजनों के साथ छठ मैया की पारंपरिक गीत गाते हुए पहुंचने लगी। परिजन भी लाल और पीले कपड़ों की पोटली में रखे डाल दूरी, पूजन सामग्री, फल, फूल सिर पर रख गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। इस दौरान बच्चों और युवाओं का आस्था और जोश देखते बन रहा था। घाट पर पहुंचने के बाद व्रती महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर वेदी पूजन कर छठ मैया की पूजा की। इसके बाद एक दीप गंगा मैया और एक दीप भगवान भास्कर को अर्पित किया। फिर गंगा में कमर भर पानी में जाकर खड़ी हो गई। भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी होने पर उन्हें अर्घ्य दिया। छठी मैया की विधिवत पूजा के बाद मन्नत पूरी होने पर कोसी भी भरी। इसमें उनके परिवार, रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए। डाला छठ के तीसरे दिन रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा तट पर पहुंची हजारों महिलाएं भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद घाटों पर ही रुक गईं। लगभग 36 घंटे तक निराजल रहने वाली व्रती महिलाएं पूरी रात गंगा तट पर खुले आसमान के नीचे रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन के बीच सोमवार तड़के उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर घर लौटेंगी। महिलाओं के इस आस्था और विश्वास को देख हर कोई इनके प्रति आदर का भाव दिखाता रहा।